आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। ऑनलाइन फ्रॉड किए गए 50,000 रुपए पीड़ित के खाते में कराया गया वापस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनपद भदोही में तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के आगमन से ही अपराधियों में खौफ का माहौल है। अपराध और अपराधियों के प्रति भदोही SP कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अब तक सैकड़ों साइबर क्राइम की घटनाओं को साइबर सेल ने कड़ी मेहनत करते हुए हल किया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल द्वारा एनी डेस्क ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किए गए 50,000 रुपए पीड़ित के खाते में कराया गया वापस। धनराशि अपने खाते में पाकर पीड़ित द्वारा किया गया भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद। साइबर अपराध से बचने के लिए भदोही पुलिस द्वारा लोगों को किया जा रहा लगातार जागरूक। भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जनपद में हो रहे साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जिसके क्रम में आवेदक संदीप जायसवाल निवासी जमनीपुर कॉलोनी थाना व जनपद भदोही द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि मैं अपने चेक के मामले में बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने मुझे बैंक के कस्टमर केयर से बात करने का सुझाव दिया, जिसके उपरांत मेरे द्वारा गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर बात करने के कुछ देर पश्चात एक अज्ञात फ्रॉड व्यक्ति द्वारा कॉल आया, जिसने अपने आप को कस्टमर केयर अधिकारी बताया और मेरी सहायता करने के नाम पर एक रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराकर मुझसे 6 अंक का कोड पूछकर फ्रॉड व्यक्ति द्वारा कुल 72,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर ली गई। उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में जनपद के साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक के बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन कर PayU गेटवे के माध्यम से ओके क्रेडिट मर्चेंट में ट्रांसफर की गई धनराशि 50,000 रुपए की निकासी पर रोक लगवाकर आवेदक के खाते में वापस कराया गया। शेष धनराशि 22,000 रुपए जो दूसरे मर्चेंट में गया है, उस पर जनपद की साइबर टीम द्वारा कार्रवाई प्रचलित है। आवेदक ने 50,000 रुपए अपने खाते में प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भदोही व साइबर क्राइम टीम भदोही पुलिस का आभार व्यक्त किया है। जनपद की साइबर क्राइम टीम द्वारा जनमानस को इस तरह से के अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने से बचने एवं विश्वसनीय वेबसाइट HTTPS के बाद वेबसाइट नेम डालकर खोलने तथा फ्रॉड मैसेज, फ्रॉड कॉल आदि से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मामले को हल करने में साइबर क्राइम पुलिस टीम की तरफ से उप निरीक्षक अरविंद यादव, प्रभारी साइबर क्राइम सेल भदोही आरक्षी राधेश्याम कुशवाहा, साइबर क्राइम सेल भदोही आरक्षी अंकित त्रिपाठी, साइबर क्राइम सेल भदोही आरक्षी अमित कुमार राय, साइबर क्राइम सेल भदोही आरक्षी रोहन वर्मा, साइबर क्राइम सेल भदोही आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।